अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीदी, गांव तो बहुत गहरा है, भरने में टाइम लगेगा। बहुत दर्द हो रहा होगा नसमन। कुछ खाओ वक्त के साथ भी नहीं बढ़ते। उसने नीचा मुझे नहीं दिखाया आंटी, उसने नीचा आपको दिखाया। बस इशारा उसने मेरी तरफ किया था। एक तो आपने मेरी और अंशुमन की शादी की बात आगे बढ़ाई। चलिए मैं अपनी इंसल्ट तो सह लूंगी, पर आपका अपमान? वेरी बैड आंटी, बहुत गलत किया उसने आंटी। आपने हमेशा सच और झूठ के बीच सत्य का साथ दिया है सुरभि जी, फिर आज आपके इस फैसले को क्या हो गया? आपका फैसला गलत कैसे साबित हो रहा है सुरभि जी? चूक कैसे हो गई आपसे, वो भी एक वीडियो क्लिप की वजह से? महज एक वीडियो क्लिप की वजह से आज आपने अपने बेटे और बहू के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया, उनके चरित्र का अंदाजा भी लगा लिया। सामाजिक सम्मान, मर्यादा और दायरा भी कुछ चीज होती है जाजी। कभी कभी समाज भी सही और गलत के फैसले लेता है, और समाज के कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। सुरभि जी, सामाजिक दायरा, नियम, कानून, ये सब आपके लिए बच्चों से ज्यादा अहम कब से होने लगे? सुरभि जी, आप ही हैं जो इस निर्णय को ठीक कर सकती हैं। आप सुमन की सिर्फ सास नहीं है, मां भी हैं। क्या आपके दिल में सुमन के लिए कोई जगह नहीं थी? आपको नहीं लगता कि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप और सुमन एक हो जाएं? जब भी सुमन को कुछ प्रॉब्लम होता तो आप उसे बचाने चले जाते हैं, और वो आपको बचाने ना चाहती। और आपको पता है इसका हर पन्ना क्या कहता है, कि आप पहले दिन से सुमन से प्यार करते हैं भैया। संयोग ऐसा था कि आज सुमन की माला मेरे गले में आ गिरी। मां कहते हैं कि ये सब भगवान जी का संकेत है। पता नहीं कि किसका संकेत है, लेकिन मैं इतना समझ गया हूं कि मेरी आंखें जिसे ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं, तुम हो सुमन। तुम्हें सुमन कैसी लगती है? क्या तुम्हें वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार है? पकड़ लिया। पकड़ लिया? आप क्या पकड़ लिया? यही कि आज के जमाने में भी आप डायरी लिखते हैं। लाइए हमें दिखाइए, हम भी तो पढ़ें कि इसमें आपने क्या लिखा है। हम भी जानना चाहते हैं कि दिल की बात कैसे पन्ने पर उतारते हैं। सुमन, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि किसी की पर्सनल डायरी को पढ़ते नहीं। ओके, सॉरी, लेकिन हाँ, जिसके लिए आप डायरी में लिख रहे हैं उसे जरूर पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम आपको जानते हैं ना, आपके दिल की बातें दिल में ही रह जाती है। जिसके लिए आप डायरी लिख रहे हैं अगर आपने उसे ही नहीं बताया तो फिर लिखने का क्या फायदा? सुमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आप किसी की ताकत बनना चाहेंगे, कमजोरी नहीं। क्या हो रहा है हमारे साथ? आपका साथ हमें कमजोर कर देता है।
और हमारे लिए आप कमजोर हो जाते हैं। हम दोनों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है अंशुमन जी। तुम ठीक कह रही हो सुमन, मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूं। तुम्हारा फैसला तुम्हें इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाता है, और मेरा साथ तुम्हें कमजोर कर देता है। यही तो हम भी कह रहे हैं अंशुमन जी, हमारा साथ आपको कमजोर बना देता है। इसलिए अब हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम आप सबकी यादें अपने साथ दिल में लेकर जा रहे हैं। बाहू जी आप ही सोचिए, राय बहादुर खानदान की बहू अनाथ आश्रम में रहे हैं, क्या इससे खानदान की इज्जत बढ़ जाएगी? लेकिन बाबू जी, क्या गारंटी है इस बात का कि सुमन और अंशुमन को लेकर राय बहादुर परिवार में फिर से कोई बवाल खड़ा नहीं होगा? बाबू जी, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, हम आप ही रास्ता दिखाइए।